जाने कहां गए वो दिन। पहले पहले के समय में जमीन पर बैठकर माँ के हाथ से बने खाने में बेहद ही सुकून मिलता था। सभी लोग उंगलियां चाट चाट कर खाना खाया करते थे। आज के समय में लोग घर का खाना खाना तो भूल ही गए हैं। आजकल लोग बाहर के मसालेदार खाने के ज्यादा शौकीन हो गए हैं। उन्हें घर के स्वाद की कोई परवाह नहीं है। लोग सिर्फ बाहर का जंक फूड खाना पसंद करते हैं। अगर सुबह घर से जल्दी काम पर जाना होता है तो लोग बाहर के छोले चावल, खराब तेल में तले हुए भटूरों पर ज्यादा लार टपकाते हैं। घर में बना ताजा नाश्ता करके पूरा दिन आराम से कट जाता था। लेकिन अब लोग घर के बाहर के उस खाने को खाते हैं जिसने उनकी लाइफस्टाइल ही बदल दी। पहले के लोग घड़े का पानी पीकर हमेशा स्वस्थ रहते थे और बीमारी भी उनसे कोसों दूर रहती थी। लेकिन आजकल तो लोग घड़े का पानी पीना जैसे भूल ही गए हैं, या घड़े का पानी पीने से उन्हें शर्म आती है। अब बोतल में बंद पानी पीकर लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। आजकल तो लोगों को फ्रिज का ठंडा पानी बेहद ही पसंद आता है और 50 की उम्र में ही बूढ़े दिखाई देते हैं। पहले के लोगों पर कपड़े चाहे दो चार या फटे पुराने होते थे, लेकिन उनका बदन पूरा ढका हुआ रहता था। आज के समय में कपड़े कम और बदन पूरा दिखा हुआ होना चाहिए और कपड़े भी कीमती और महंगे दामों वाले होने चाहिए। पहले के समय में घर में कोई भी शादी ब्याह हो या कोई भी कार्यक्रम, सभी लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ मिलकर सभी कामों में मदद किया करते थे। लेकिन आजकल तो एक नया फैशन चल गया है। कार्ड भी व्हाट्सएप पर दिया जाता है और शगुन भी लिफाफे की बजाय पेटीएम कर दिया जाता है। और शादी ब्याह में काम करने वाले रिश्तेदार जेब में हाथ डालकर फोटो खिंचवा लेंगे, लेकिन किसी भी काम की तरफ देखेंगे भी नहीं। पहले के समय में लोग 4 बजे बिस्तर छोड़ दिया करते थे और अपने काम जल्दी जल्दी निपटा कर आराम किया करते थे और बीमारियां भी उनसे कोसों दूर रहा करती थी। लेकिन आजकल जो सोवत है वो खोवत है, ऐसा समय आ गया है। आपने ये बात तो अक्सर सुनी ही होगी। आजकल तो सूरज भी सिर पर आ बैठता है तब भी लोग सो रहे होते हैं। दिन में नाश्ता करने और शाम को 5 बजे लंच करना अपनी शान समझते हैं और फिर कहते हैं हमारा तो कोई रूटीन ही नहीं। पहले के लोग धूप में खेतों में पूरा दिन काम करते थे और स्वस्थ रहा करते थे, लेकिन आजकल 5 मिनट की धूप भी लोगों से सहन नहीं होती और कहते हैं धूप में रहकर काले होने और चक्कर आने की शिकायत करने लगते हैं। पहले के लोग ना कोई फेशियल ना ही कोई मसाज कराया करते थे। मुंह और हाथ पैरों में मलाई को लगाते थे, वही उनके लिए ब्रांडेड क्रीम हुआ करती थी और बालों में वही अपना पुराना दादी नानी के हाथ का बना हुआ सरसों का तेल लगाया करते थे। फिर भी इतने घने काले बाल हुआ करते थे, लेकिन आजकल तो एक से बढ़कर एक ब्रांडेड क्रीम, चाहे फिर वो स्किन हो या फिर बाल, सब कुछ बाजार में मौजूद है। लेकिन फिर भी शिकायत करते हैं कि हमारे स्किन पर तो झुर्रियां पड़ गई हैं और बाल भी 30 की उम्र में लगभग सफेद ही हो गए हैं। पहले के लोग तेल और सरसों का तेल खाकर 100 साल तक हट्टे कट्टे रहा करते थे, लेकिन आजकल तो डालडा और रिफाइंड खाकर 30 की उम्र में ही दिल में छल्ले डलवाते हैं। पहले तो सैर करते करते लोग नीम का मंजन किया करते थे, ना तो दांतों में कीड़ा लगता था ना ही दांत सड़ते थे। लेकिन आजकल तो 40 से 50 की उम्र में ही पूरा जबड़ा ही बदल दिया जाता है, क्योंकि खराब खाना और मीठा दांतों को कमजोर कर रहा है। पहले के जमाने में लोगों के पास साइकिल के अलावा कोई साधन नहीं हुआ करता था। लंबी दूरी तय करने के बाद भी कभी पैर नहीं पकड़ते थे, लेकिन आजकल कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके घर में गाड़ी मोटरसाइकिल ना हो। फिर भी 40 की उम्र में घुटने बदलने की नौबत आ ही जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।